नमस्कार दोस्तों, वेट वाइप चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस मींस इन्फ्लामेशन, मींस सूजन मेमरी ग्लैंड की, लेवे की सूजन, उसे हम मेस्टाइटिस कहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की चोट और इन्फेक्शन की वजह से हो, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है मिल्च दूध देने वाले पशु की और डेयरी इंडस्ट्री की, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है और लॉस भी होता है। जो इस बीमारी का सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि जब हम दूध की चुवाई करते हैं तो बाद में चुवाई करने के बाद जब हम थनों में कुछ भी एंटीसेप्टिक लोशन नहीं लगाते तो एनिमल तुरंत बैठ जाए तो नीचे गीले होने की वजह से जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो टीट कनाल की अंदर चले जाते हैं और वहाँ से ये इन्फेक्शन कर देते हैं। ये जो मेस्टाइटिस है ये 3 तरह की होती है, अक्यूट, सब अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट मीन्स बहुत ही जल्दी अचानक ही हो जाए, और सब अक्यूट जैसे थोड़ी थोड़ी देर में होती है, और क्रॉनिक मीन्स काफ़ी देर, लंबी देर से चल रही हो। फर्स्ट सिम्टम है वो एनिमल में यही देखेगा, अडर की स्वेलिंग, उससे पता चलता है कि इसमें दिक्कत आ चुकी है। आप ये जो भैंस स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ताजी ब्याई हुई है, मींस बच्चा दिया हुआ है, और इसके थनों में सूजन आ चुकी है। देखने में ये सूजन लग रही है पर इसमें पानी भरा हुआ है, ये एडिमेटस स्वेलिंग है। आप आगे देखेंगे कि कैसे ये पहचान करें ये एडिमेटस स्वेलिंग है। ये देखिए, थन की चुवाई की हम जब हाथ लगाते हैं देखते हैं तो निशान बन जाते हैं चड्डे में। ये देखिए। जो मस्टाइटिस का ट्रीटमेंट है वो किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में ही करवाना चाहिए। अगर नहीं ऐसा होगा तो थन भी मर जाते हैं और एनिमल का भी लॉस हो जाता है। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम रोज़ एक नई इन्फॉर्मेटिव और ट्रीटमेंटल वीडियो डालते हैं।